यहाँ पर एक क्लाउड ब्रश जो है आज सुबह सहरी के टाइम पे हुई, जिसकी वजह से इलाका फकीर गुजरी में जो है रोड कनेक्टिविटी डैमेज हुई और PHE में भी बड़ा नुकसान हुआ, बाकी भी फसलों को नुकसान हुआ। और उसी वक्त हमने जब ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता किया तो ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने उसी वक्त अपनी टीमें जो हैं यहाँ पर भेज दी और रोड को क्लियर करने के लिए काम जो है वो उसकी शुरुआत करी। तो सरकार से हमारी अपील है कि जो हमारे नुकसान हो गए हैं, इसमें जितने मकान वगैरह क्रैक हुए हैं बारिशों और इन चीज़ों की वजह से और मुख्तलिफ जगहों पे जो है क्लाउड ब्रस्ट की वजह से जो है पानी आ गया है, लोगों के घरों को खतरा है, तो उन जगहों की असेसमेंट जो की गई है आज दिन भर टीमों की ओर से, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो है सरकार और ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर जो है फंड गुजार करे ताकि वो काम शुरू किया जा सके और हमारी जो रोड वगैरह है इसमें जो डैमेज हुए हैं वो क्लियर हो सके और जो प्रोटेक्शन वाल वगैरह जो जितने नुकसान हुए वो सारे दूर किए जा सके, हमारी यही गुजारिश होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ बड़ा तावत रहा, उसके लिए हम मनोज सिन्हा साहब का और उसकी जो टीम है और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब तमाम का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे काबिल अफसर रखे हैं जो मौका पर पहुँच कर लोगों की इमदाद करते हैं। कुदरती आफातें तो आती रहती हैं लेकिन ऐसे होनार और काबिल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी वजह से जो है आवाम को बड़ी राहत मिलती है। हमारे पास तहसीलदार नॉर्थ, BDO हारवन, BMO हजरतबाद और PWD डिपार्टमेंट के एक्जन वगैरह तमाम जितने भी लोग हैं सब जो हैं यहाँ पहुँचे थे PHE वगैरह के। इस चीज़ का हम बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि डी साहब ने सवेरे ये काम शुरू किया था और लोगों को जो है राहत की सांस मिली।